नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में बात करने वाले हैं। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो मानव शरीर की आंतें होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगती हैं। इसलिए जो खाना हम खाते हैं उस फूड को वो टॉलरेट नहीं कर पाती और पेशेंट को तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइन या आंतों में होने वाली एक कॉमन बीमारी के बारे में, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में IBS कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके कारणों पर बात करेंगे। दोस्तों, IBS का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण ये तकलीफ पेशेंट को बढ़ सकती है। इसमें नंबर वन पे ये है कि पेशेंट की गट में अच्छे बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। नंबर टू, यदि पेशेंट को कोई क्रोनिक बीमारी हुई है आंतों की, तो भी ये तकलीफ पेशेंट को हो सकती है। नंबर तीन, यदि पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, तो भी पेशेंट को IBS की समस्या हो जाती है। इन सब कारणों से पेशेंट को बहुत ही कम सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके बहुत हद तक इस बीमारी से बाहर आ सकता है। बट कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जिनके कारण पेशेंट की यह प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाती है। इसमें नंबर वन पे और बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, फूड। जब पेशेंट को किसी चीज़ की एलर्जी होती है, या फिर जैसे कि उसको बीन्स से, डेयरी प्रोडक्ट से, या फिर किसी किसी को गेहूं से भी तकलीफ होती है, किसी को कार्बोनेटेड ड्रिंक से तकलीफ है, मैदे या रिफाइंड फ्लोर से तकलीफ हो सकती है, तो ये सब चीज़ों से पेशेंट को IBS ट्रिगर कर जाता है। जब कोई पेशेंट स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, डिप्रेशन में है, यदि एंग्जाइटी है, या फिर उसको कोई मेंटल स्ट्रेस ऐसा है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है, इसके कारण भी पेशेंट को IBS की कंप्लेंट ट्रिगर कर जाती है। IBS के सिम्टम डिस्कस करने के पहले कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं। जैसे ये बीमारी कई लोगों को होती है, लेकिन किन्हीं पेशेंट्स को ही ये सीवियर होती है। नंबर टू, कई लोग अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करके, अपने खाना मैनेज करके इसको कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर तीन, IBS एक मेंटेनेंस बीमारी है, जितना मेंटेन करोगे उतना आप इससे बच के रहोगे। नंबर चार, IBS एक लॉन्ग टाइम या क्रोनिक बीमारी है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट मिल सकता है। इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पेट में दर्द मिलेगा, स्पेशली अराउंड एम्लाइकस, और उसको क्रैम्प भी मिल सकते हैं, और जब पेशेंट को गैस पास होती है तो उसको उस दर्द में आराम आ जाता है। इसमें पेशेंट को ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन मिलेगी, उसको ऐसा लगता है कि उसका मोशन पूरी तरह से पास नहीं हुआ, उसको स्टूल में म्यूकस भी पास हो सकता है, मतलब यह है कि उसके लैट्रिन में म्यूकस पास होता है। पेशेंट को दिन भर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है, स्पेशली अराउंड एब्डोमेन, और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो IBS के कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है, लेकिन पॉसिबल कॉज ऑफ IBS निकालने के लिए हम इसका स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उससे इन्फेक्शन मालूम पड़ जाएगा और हमें थोड़ी सी कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि ये केस किस तरफ जा रहा है। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इस कड़ी में नंबर वन पर मेडिसिन है नॉक्सवोमिका। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम मैं मेरे कितने वीडियो में ले चुकी हूँ। एक्चुअली नॉक्सवोमिका का रोल पेट की समस्या में बहुत अच्छा है दोस्तों, बस बशर्त यह है कि इस मेडिसिन को सही तरीके से लेना है और CVT के हिसाब से इसके डोजेस और पोटेंसी तय करना है। जादू का काम करती है दवाई। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब पेशेंट को IBS की प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता है। तो जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायरिया, तो नॉक्सवोमिका अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को खाना खाने के बाद तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, उसका पेट बहुत फूला फूला लगता है, उसको एपिगेस्टियम रीजन में पेन मिलेगा, खट्टी डकारें आती हैं, उसको वोमिटिंग जैसी इच्छा होती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको मोशन जाने की इच्छा तो होती है लेकिन उसका स्टूल पास नहीं होता, और दिन भर उसको डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है। और एक चीज़ और है, ये सारी तकलीफ जो बता रहे हैं हम, ये उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम उसको आती है। यदि इस तरह की तकलीफ़ है तो नॉक्सवोमिका दी जा सकती है। दोस्तों,
इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को पेन बहुत मार्क्ड होता है। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है कि कभी कभी वो पेन के कारण बेहोश भी हो सकता है और उसको लगता है कि बस मैं पेट दबा के बैठा रहूं। यदि इस तरह की तकलीफ़ आ रही है तो ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इसको भी अल्टरनेट मिलेगा और उसको पेट बहुत फूला फूला फील होता है, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोस। यह मेडिसिन IBS के केस में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, क्योंकि जिन पेशेंट्स में IBS में बस डायरिया होता है, खाना खाने के बाद पतला डायरिया होता है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। एलोस को 30 की पोटेंसी में दिन में 3 बार 4 दिन तक लेने से भी इमीडिएट रिलीफ मिल जाते हैं इसमें। यदि मैं इसके स्पेसिफिक सिम्टम की बात करूं तो इसमें पेशेंट को खाना खाते से ही पेट में गुड़ 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 महसूस होने लगती है, उसको लैट्रिन जाने की इच्छा होती है और कई बार तो फ्लैटस पास करने में ही उसका मोशन पास हो जाता है, मोशन का जो कैरेक्टर होता है वो पतला होता है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। दोस्तों यह दवाई भी पूरा GIT बहुत अच्छे से कवर करती है, स्पेशली लिवर के केस में ये जादू का काम करेगी। तो दोस्तों जब पेशेंट को खाना खाने के बाद बहुत फूला फूला लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी बाइट खाई तो मुझे मेरा पेट फट जाएगा, बहुत डिस्टेंडेड एब्डोमन फील होता है, उसका गैस उसके पेट में घूमती रहती है, पास ही नहीं हो पाती है, बहुत टाइट एब्डोमन लगता है, मोशन जाने की इच्छा होती है, मोशन होता नहीं क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टूल की डिज़ायर उसको दिन भर बनी रहती है, स्पेशली उसको राइट साइड ऑफ एब्डोमन में पेन मिलेगा और उसका लिवर बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए वो खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता, उसको इंडाइजेशन की शिकायत होती है, इसलिए भी उसको कब्जियत मिलती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो लाइकोपोडियम दी जा सकती है। दोस्तों IBS या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम पे बनाया हुआ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।